राजू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर केले हैं, सेब है, खा लो। नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। तो लाओ, पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वो खा नहीं रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का ग्लास ले लिया मगर फिर उसने वही किया और उनकी नजर बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा भी वहाँ आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर नहीं है। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अंट शंट खाने की आदत जो पड़ी है इसे। ए जी, आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल कूद में भी काफी पीछे रहता है। तो आप ही कुछ बताइए मैडम कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी खाने की चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भर कर चिप्स, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, ये लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी आप भला कैसी बात कर रही हैं? किसी पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? क्यों, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं?
मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पानी डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कह देती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेलकूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीजों से नहीं। मैं समझ गया पापा, अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही समय में उसका पौधा फिर से लहला उठा और राजू की सेहत भी अच्छी हो गई।